हेलो डियर, वेलकम टू द सॉल्यूशन हब। माय नेम इज सुनील सिंह। आज हम लोग तीन न्यूमेरिकल देखेंगे, 4.21, 4.22 एंड 4.25। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग 4.21। सो इन 4.21 अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टी इक्वल टू जीरो। इट मीन्स ओरिजिन से पार्टिकल मूवमेंट स्टार्ट करता है और उसकी वेलोसिटी दिया हुआ है 10J। इट मीन्स वेलोसिटी जो है इज इक्वल टू 10J एंड मूव्स इन अ एक्स वाई प्लेन, दिस इज मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है 8i + 2j, इट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 8i + 2j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, क्या फाइंड आउट करना है, एट वॉट टाइम इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 16 मीटर। सो किसी टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन 16 मीटर होगी, वो हमको फाइंड करना है। सो लेट्स से पार्टिकल की पोजीशन जो वेक्टर है वो है x1i + x2j। ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ है x1 की वैल्यू जो है 16 दिया हुआ है, तो हमको जो है टाइम फाइंड आउट करना है। सो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पुट कर देंगे, s = ut + ½at². सो s की वैल्यू क्या दिया है, वेक्टर r है ये, ut क्या है, u इतना दिया हुआ है, इसको हम लोग u ले लेते हैं। ठीक है, u कितना दिया हुआ है, 10j × t + 1/2। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 8i + 2j × t². इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में हम लोग हमने j को j के साथ और i को i के साथ, सो ये हो जाएगा 4i + 10t + 2 2 = t². ये हो जाएगा j। और r की वैल्यू क्या है, x1i + x2j। यहाँ से हम लोग यदि देखते हैं तो x1 जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है 4t² और x2 जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है 10t + t². ओके, अब हम लोग को दिया हुआ है x1 की वैल्यू जो है 16, तो यहाँ पे यदि हम 16 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 4t². इट मीन्स यहाँ से जो t आ गया वो आ जाएगा 2 सेकेंड। इट मीन्स जो है ये हमारा जो है एक आंसर हुआ, t = 2 सेकेंड पे जो हमारा पोजीशन होगा पार्टिकल का वो होगा 16i। ओके, 16 मीटर। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट एट t = 0। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, सो वो हो जाएगा x2। x2 क्या होगा, इट मीन्स t = 2 हम लोग रख देंगे, तो (2 + 2)² इट मीन्स 20 + 4। इट मीन्स जो x2 आ जा रहा है वो आ जा रहा है 24। इट मीन्स ये जो है x2 कंपोनेंट हुआ 24। ये हमारा जो है एक आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा एक आंसर और दूसरा आंसर ये है। अब मूव करते हैं हम लोग सेकेंड पोर्शन पे, बी पोर्शन पे। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, इट मीन्स t = 2 पे व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। सो बी पोर्शन में क्या निकालना है, व्हाट इज द स्पीड एट t = 2 पे स्पीड क्या होगी। सो हम लोग अब पोजिशन वेक्टर, अभी हमने यहाँ से ये वाला जो है निकाला हुआ है पोजिशन वेक्टर, वो है हमारा 4t² i + 10t + t²j। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, जो वेलोसिटी होती है वो होता है dr/dt होता है, r के रिस्पेक्ट में इसको हम t के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सो d/dt ऑफ जो है ये पूरा वेक्टर हो जाएगा 4t² i + 10t + t², ये जो है हमारा j। ओके, सो यहाँ पे वैल्यूज यदि डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो d/dt ऑफ ये हो जाएगा 4t² i + d/dt ऑफ 10t + t²j। और हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला पता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ जो t^n dt जो होता है वो n t^n-1 होता है, और d/dt ऑफ कोई कांस्टेंट at जो होता है वो होता है हमारा a के बराबर। सो यहाँ पे क्या है, 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर आ जाएगा, t² क्या हो जाएगा 2 × t^2-1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 बाहर आ जाएगा, dt की वैल्यू dt/dt क्या होता है 1 हो जाता है,
तो 10 प्लस, अब टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 टी इंटू 2 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा जे कैप। सो इसको यदि हम देखते हैं तो 8 टी आई कैप प्लस 10 प्लस 2 टी जे कैप, ये हमारी जो हो गई वेलोसिटी हो गई। ओके, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो t इक्वल टू 2 यहां पे वैल्यूज पुट कर देंगे हम। सो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 8 इंटू 2 आई कैप प्लस 10 प्लस 2 इंटू 2 जे कैप। सो ये हो जाएगा 16 आई कैप प्लस 14 जे कैप। यहाँ पे यदि इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाले तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 18 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यदि वेक्टर हमारा एक्स जो है वो दिया रहता है एक्स वन आई कैप प्लस एक्स टू जे कैप, तो जो हमारा मॉड ऑफ एक्स होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 452। इट मीन्स ये जो आ जा रहा है 21.26 मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारा जो है आंसर हुआ। सो आई होप गाइज ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 4.22। सो इन 4.22 आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। सो लेट्स से हमारा जो है ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा जो है वाई एक्सिस है। ओके, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर दिया हुआ है आई और इधर जो है यूनिट वेक्टर दिया हुआ है जे। ओके, अब हमको क्या करना, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आई प्लस जे। इट मीन्स आई प्लस जे का हम लोगों को जो है रिजल्टेंट का जो है डायरेक्शन निकालना है। तो रिजल्टेंट हमारा पैरेललोग्राम ड्रा करेंगे तो ये हमारा जो है रिजल्टेंट हो जाएगा, ये होगा आई प्लस जे और सबका मैग्नीट्यूड ये भी वन है ये भी वन है, ये एंगल लेट से यदि थीटा है तो क्या हो जाएगा टेन थीटा जो हो जाएगा, इसका नाम नॉमन क्लेचर कर देते हैं ओ ए बी और आर। सो टेन थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर ए आर डिवाइडेड बाई बेस मीन्स ओ ए। ए आर क्या है, ए आर जो है वन है, ओ ए क्या है वन है। इट मीन्स यहाँ से थीटा जो आ रहा है वो 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। ओके, सो आई प्लस जे की डायरेक्शन जो होगी, सो आई प्लस जे वेक्टर का रिजल्टेंट की डायरेक्शन है वो है 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब हम लोग निकालते हैं आई माइनस जे की डायरेक्शन। सो आई माइनस जे क्या होगा, जे ऊपर है तो माइनस जे क्या होगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा। सो ये हो जाएगा माइनस जे। सो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा हमारा कुछ ऐसे, ये हमारा हो जाएगा आई माइनस जे। सो इसका लेट से एंगल हम लोग ले लेते हैं बीटा। सो टेन बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है ए आर डैश डिवाइडेड बाई बेस क्या है ओ ए। इट मीन्स वन डिवाइडेड बाई वन, इट मीन्स जो बीटा आ जा रहा है 45 डिग्री। ओके, बट इसकी डायरेक्शन क्या है, निगेटिव है। सो आई माइनस जे की डायरेक्शन जो हो जाएगी उसकी जो डायरेक्शन होगी माइनस 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे एंड आई माइनस जे। इट मीन्स एक वेक्टर है 2 प्लस 3 आई, उसको हम लोगों को जो है इसकी डायरेक्शन में ब्रेक करना है। ठीक है, सो वेक्टर बी में लेट्स सी ये हमारा जो वेक्टर दिया हुआ है 2 आई प्लस 3 जे और हम लोग क्या कर देंगे, बी को एज्यूम कर लेते हैं आई प्लस जे और सी को एज्यूम कर लेते हैं हम लोग आई माइनस जे। ओके, सो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इंटू बी, ये जो होता है हमारा, ये ऑलरेडी हमने बता चुका है, एक वेक्टर इधर है ए और दूसरा वेक्टर है इधर बी। सो इसके साइड में इसका जो प्रोजेक्शन होता है वो होता है हमारा बी कॉस थीटा और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारा वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है वी ए कैप। इसको आप लोग थ्योरी वाले वीडियो से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ ए इंटू बी, तो ए का कंपोनेंट निकालना है तो वो हो जाएगा ए कॉस थीटा इंटू वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर। ओके, सो क्या करेंगे हम लोग, ए कॉस थीटा है तो वेक्टर बी और वेक्टर बी को हम लोग जो है
वेक्टर बी से ऊपर नीचे जो है डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। सो ए डॉट बी कॉस थीटा जो हो जाएगा डिवाइडेड ऊपर वेक्टर वी से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी वेक्टर वी का जो है मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारा जो है यूनिट वेक्टर हो जाएगा। और वेक्टर बी को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर वी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी, ये हमारा जो है यूनिट वेक्टर हो जाता है। तो ए डॉट बी कॉस थीटा क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी होता है इंटू वेक्टर वी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। सो वेक्टर ए क्या है, 2i प्लस 3j है हमारा, डॉट ये क्या है i प्लस j डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर है। मॉड ऑफ b कितना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका जो है होल स्क्वायर। और वेक्टर b को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे ही i प्लस j, ओके। सो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है x1 i प्लस x2 j इक्वल टू एक्स, ये जो वेक्टर है, और वाई वन आई प्लस वाई टू जे इक्वल टू वाई, ये वेक्टर है। तो एक्स डॉट वाई जो होता है हमारा एक्स वन वाई वन प्लस एक्स टू वाई टू, ये फार्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये जो है हमारा जो है फार्मूला है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग जो है उसे वैल्यू पुट कर देंगे, तो टू इंटू वन एक्स वन वाई वन इसमें टू इंटू वन प्लस 3 into 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा अंडर 2, इट मीन्स ये जो है 2 हो जाएगा, और ये हमारा सिंपली है i प्लस j। सो आफ्टर कैलकुलेशन ये आ रहा है 5 डिवाइडेड बाय 2 i प्लस j, इट मीन्स जो है ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ओके ये हमारा जो है i प्लस j की डायरेक्शन में एक वेक्टर a का जो है कंपोनेंट है, ठीक है। सिमिलरली i माइनस जे के डायरेक्शन में निकाल देंगे हम लोग, सो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इनटू वेक्टर सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए कॉस थीटा इनटू सी कैप, ओके। सो इसमें भी ऊपर नीचे सी सी से डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो मॉड सी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ सी, यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, इनटू c डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ c। यदि इसको हम लोग कर देखते हैं तो a डॉट c हो जाएगा ये डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ c का होल स्क्वायर इनटू वेक्टर जो है c, वैल्यूज पुट कर देंगे, सो 2i प्लस 3j और c की वैल्यू है i माइनस j, यहाँ पे c है i माइनस j डिवाइडेड बाय इसका जो है होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इसका जो है होल स्क्वायर। सो वैल्यूज पुट करने के बाद आफ्टर कैलकुलेशन आ रहा है 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया आई माइनस जे, सो ये हो जाएगा -1/2 आई माइनस जे। सो ये हो गया हमारा वेक्टर ए का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ सी, सो ये हमारा जो है आंसर हुआ, ओके। सो आई होप गाइज ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 4.25। सो इन 4.25 एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग ऑन अ हाइट ऑफ 3400 मीटर एबव, सो लेट्स से यहाँ पे एक जो है फ्लाइट है वो यहाँ पे मूव कर रही है, और क्या हो रहा है कि यहाँ पे लेट्स से कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो 10 सेकेंड बाद वो देखता है कि हमारी जो फ्लाइट है वो यहाँ से यहाँ पे जो है मूव हो गई हमारी, ठीक है, इसको यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है 10 सेकेंड्स, ओके। और कितनी हाइट पे है ये ऑब्जर्वर फ्लाइट, तो 3400 मीटर पे ये जो है फ्लाइट हमारी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इसके बीच का जो आई साइट का एंगल है वो है हमारा 30 डिग्री, इट मीन्स ये जो एंगल है ये है 30 डिग्री, ठीक है। तो यहां से इससे एक परपेंडिकुलर ड्राफ कर देंगे हम लोग, इसका नाम दे देते हैं लेट्स से ए, इसका बी, ओ से एक परपेंडिकुलर ए बी पे यदि ड्रॉप करते हैं हम लोग, सो लेट्स से ये है आर, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो क्या होगा ये एंगल, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये भी इक्वल होगी, तो ये जो है हमारा एंगल जो है हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 15 डिग्री। सो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ओ आर जो है दिया हुआ है 3400 मीटर, और क्या है हम लोगों को क्या निकालना है, स्पीड फाइंड आउट करनी है। सो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम,
सो डिस्टेंस कितनी होगी, सो यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 सेकेंड लग रहा है, तो आधे डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको आधा टाइम लगेगा। सो टाइम क्या लग रहेगा यहाँ पे, सो टाइम जो है वो है 5 सेकेंड, और डिस्टेंस जो है वो हमको फाइंड आउट करना है वो होगी बी आर। ओके, सो बी आर डिस्टेंस हम लोग को किसी तरीके से फाइंड आउट करना है। सो क्या करेंगे हम लोग, ट्रायंगल ओ बी आर में एंगल आर जो है वो 90 डिग्री है, तो क्या करेंगे हम लोग टेन थीटा अप्लाई कर देंगे। सो टेन थीटा जो हो जाएगा, ये एंगल लेट से हम लोग थीटा ले रहे हैं, तो टेन थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी आर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। ओके, सो यहाँ से हमारी बी आर जो आ रहा है ओ आर इंटू टेन 15 डिग्री। सो ये हमारी जो डिस्टेंस दिया हुआ है 3400 मीटर दिया हुआ है, और 10-15 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 0.267। सो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं यदि, तो वो आ रहा है 910.86 मीटर। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो है बी आर हम लोग को पता चल गया, इट मीन्स डिस्टेंस पता चल गई। सो स्पीड जो हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी डिस्टेंस, इट मीन्स बी आर डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, 5 सेकेंड लगा है। सो 910.86 डिवाइडेड बाई 5, सो स्पीड आफ्टर कैलकुलेशन आ रही है 182.2 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो ये हमारा हो गया आंसर। सो गाइस आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट।